श्रद्धा और सबूरी क्रोध लोभ मोह छोड़ के सारे साईं शरण में आ जाओ जीवन बगिया महका देगी साईं प्रेम कस्तूरी साईं बाबा साईं बाबा साईं बाबा जय साईं बाबा। बहन क्यों मेरे श्यामा को परेशान कर रही हो? बेचारा कितना चिंतित हुआ है तुम्हारी वजह से। मेरे बारे में तो सोचो बहन, यदि तुमने उसकी चिंता नहीं मिटाई तो तुम्हारा सिरफिरा पति मुझसे 72 जन्मों का संबंध तोड़ देगा, जानती हो ना? मुझसे लड़ने झगड़ने के लिए वो हमेशा मौका ढूंढता है और क्रोध करता है मुझ पर, समझता है कि मैं उसकी पाठशाला का विद्यार्थी हूं। फिर भी मेरा श्यामा दिल का सच्चा है बहन, जो उसके अंदर है वही उसके होठों पर। गरीब है लेकिन मेरे श्यामा को नई जिंदगी दे दो। जागोगी ना? तुम दोनों का कल्याण हो बहना, कल्याण हो। साईं बाबा, साईं बाबा। सुशीला, सुशीला। साईं बाबा, बाबा। सुशीला। गुरुजी। सुशीला, बाल सपति। सुशीला को होश आ गया। नूर, अरे देखो, मेरी सुशीला होश में आ गई। हाँ गुरुजी, सुशीला को होश आ गया। सब साईं बाबा की कृपा है। साईनाथ, जय साईनाथ। जय साईनाथ। साईनाथ, आपकी लीला अपरंपार है। अरे तुम्हें मालूम है, सुशीला भाभी को होश आ गया। ये साईं बाबा की उदी की महिमा है। साईं बाबा ने ये साक्षात्कार दिया है कि वो शिरडी में नहीं होंगे फिर भी शिरडी में ही होंगे। महर्षि लक्ष्मण प्रसाद जी। बोलिए महर्षि राम प्रसाद जी। बाबा ने हम दोनों की लाज रख ली। जय जय साईनाथ। जय जय जय। ज्योत जलाओ मिलकर गाओ, ज्योत जलाओ मिलकर गाओ, साई की महिमा, साई की महिमा, साई की महिमा। ज्योत जलाओ मिलकर गाओ, ज्योत जलाओ मिलकर गाओ, साई की महिमा, साई
साई ओम साई अलख निरंजन मंगल कारक भय दुख भंजन जी, बड़े आश्चर्य की बात है कि गुरुजी की पत्नी ठीक हो गई। राम 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 द्वारिका नाथ जी, मैं भी अचंभित हूँ। किंतु मैं अचंभित नहीं हूँ। अरे नालायक गधे, तू मेरे ज्ञान पर शंका संदेह व्यक्त कर रहा है, हैं? वैद्य जी, मैं तो साईं बाबा पर विश्वास व्यक्त कर रहा हूँ। सुशीला भाभी ठीक हो गई, इसीलिए भाभी को साईं बाबा ने बचाया है। अरे नालायक गधे, साईं बाबा ने या राम प्रसाद या लक्ष्मण प्रसाद ने? वैद्य जी आप समझते नहीं हैं। हाँ हाँ, मुझे कैसे समझ में आएगा, तू ही तो एक व्यक्ति है, शिरडी का सबसे ज्ञानी पुरुष, तू ही बता है। बताऊं? हाँ। महर्षि राम प्रसाद और महर्षि लक्ष्मण प्रसाद ये जान गए हैं कि भाभी का इलाज द्वारिका माई में ही होगा। अरे लेकिन धोंडिया, द्वारिका माई तो पत्थर की है। अरे वो कोई वैद्य थोड़ी है। अरे द्वारिका नाथ जी, वहाँ अश्वनी कुमारों के गुरु साईं बाबा रहते हैं, उनकी धुनी हमेशा जलती रहती है। जब तक धुनी जलती रहेगी, किसी को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। हर रोग का इलाज है साईं बाबा की उदी। जी, हम वो धुनी ही बुझा देंगे। क्या? इतना गंदा विचार है। अरे देखिए वैद्य जी, यदि सुशीला भाभी साईं बाबा की उदी से ठीक हुई है, ये खबर यदि सारी शिरडी में फैल गई, तो फिर आपका कोई महत्व नहीं रह जाएगा। अरे आपके ज्ञान का उपहास उड़ाया जाएगा। सत्य कहा आपने द्वारिका नाथ जी, सत्य कहा। अरे हो ना हो, मुझे विश्वास है कि सुशीला भाभी आप ही की दवा से ठीक हुई है। हा? लेकिन ये साईं के भक्त कहते हैं कि साईं के उदी से ठीक हुई है, इसीलिए हम द्वारिका माई में जलने वाले उस धूनी को ही बुझा देंगे। ना रहेगा पास और ना बजेगी बांसुरी। जागो। शराब पियोगे, शराब पियोगे, मत मारो, शराब पीते हो, अपनी पत्नी का अपमान करोगे तुम, शराब पियोगे, शराब पियोगे। अच्छा, अब पत्नी की याद आ रही है, अब शराब की तुझे याद नहीं आई, शराब पियोगे, बोलो, मत मारो, अब पियोगे। नालायक, ये तुम्हारे बाबू की आवाज है, क्या हुआ होगा? शराब पियोगे तुम। अरे बचाओ। पत्नी को दुखी करोगे तुम। अब दुखाया तो मल्ला याद आ रही है, पत्नी याद आ रही है। बोलो, दरवाजा खोलिए जी। पियोगे शराब? क्या हुआ? खोलिए। बोलो, ये घर किसका है? बोल। ये घर मल्ला का ही है। दरवाजा खोलिए जी। अब बात समझ में आई ना? दरवाजा खोलिए। अब बोल, शराब पिएगा? शराब पिएगा? नहीं पीऊंगा, अब कभी शराब नहीं पीऊंगा बाबा, कभी शराब नहीं पीऊंगा। दरवाजा खोलिए जी। पिताजी, शपथ लो कि आज से मैं शराब नहीं पीऊंगा।
मैं भगवान की शपथ लेकर कहता हूँ कि मैं कभी शराब नहीं पीऊंगा, उसे हाथ नहीं लगाऊंगा, कभी हाथ नहीं लगाऊंगा बाबा। कभी हाथ मत लगाना। क्या हुआ? क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे थे आप? हाँ, क्यों चिल्ला रहे थे? इतने डरे हुए क्यों हैं? क्यों पीते हैं इतनी शराब? अब नहीं पीऊंगा, अब मैं शराब कभी नहीं पीऊंगा। मैंने साईं बाबा को वचन दिया है। साईं बाबा को? हाँ, घर आए थे, मुझे बहुत मारा बाबा ने, मुझे साईं बाबा ने बहुत मारा, मुझे माफ कर देना बंदा, मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी है। ये क्या कर रहे हैं आप? ऐसा करके आप मुझे पाप का भागीदार बनाएंगे? मैं साईं बाबा का कृतज्ञ हूँ बंदा, कि उनकी वजह से मुझे मेरा घर मिला, परिवार मिला, वरना शराब ने तो मेरा सब कुछ छीन लिया था बंदा, मेरा सब कुछ छीन लिया था। गुरुदेव, दुख, पीड़ा, कष्ट, यही इंसान को परेशान करते हैं, इसलिए लोग साधु संतों पर विश्वास नहीं करते, मालिक की हस्ती को भी नहीं मानते। गुरुदेव साईं, तो फिर लोगों का विश्वास कैसे होगा साधु संतों पर? साधु संतों का चरित्र देखकर उनकी कथनी और करनी में कोई अंतर तो नहीं, ये जानकर इतना काफी है? नहीं गुरुदेव, लोग भोले हैं, निष्पाप हैं, कभी कभी उनके लिए चमत्कार करना ही पड़ता है, क्योंकि चमत्कार के बिना नमस्कार नहीं मिलता गुरुदेव। साईं, कलयुग है, कलयुग है ये। इस कलयुग में मालिक के अस्तित्व का साक्षात कराने के लिए मालिक के बंदों को चमत्कार करना ही पड़ता है गुरुदेव। गरीबी, बीमारी, बुरे हालात में पिसे जाने वाले लोग प्यार के दो शब्दों के लिए भूखे हैं। कोई हमारे साथ मुस्कुराते हुए बात करता है तो हमें अच्छा लगता है, तो हम क्यों दूसरों के साथ मुस्कुराते हुए बातें नहीं करते गुरुदेव? साईं, क्या सिर्फ बातों से ही काम हो जाता है? हाँ गुरुदेव, परंतु तब तक जब तक कि बातें करने वाले का सत्य स्वरूप समाज के सामने नहीं आता। क्या मतलब? गुरुदेव, हम जैसा बोलते हैं वैसा व्यवहार नहीं करते, ये सभी जान जाते हैं कि हम तोते की तरह बोलते हैं, लेकिन हमारा आचरण शून्य है। जो जैसा बोलता है वैसा ही आचरण करता है, जैसी जिसकी कथनी है वैसी ही उसकी करनी भी है। लोग ऐसे इंसान पर विश्वास करते हैं, विश्वास ही जीवन का श्वास है गुरुदेव। कल्याण, उठो। बेटी, तुम्हारा घर, तुम्हारा पति, तुम्हारा पूरा परिवार मिल गया ना? साईं बाबा, आप जैसे पिता जब मुझ जैसी बेटी की इतनी रक्षा करते हैं, तो बेटी को क्या है जो नहीं मिल सकता साईं बाबा? आपने मेरे बच्चों के पिता को सही रास्ता दिखाकर हमें नई जिंदगी दी है साईं बाबा, हम आपके कृतज्ञ हैं। मुझे मेरे पति मिले, बच्चों को उनके पिता मिले, अब हमें कुछ नहीं चाहिए साईं बाबा, हम सब मिलकर अपने घर को स्वर्ग बनाएंगे। तथास्तु। मुझे माफ कर दीजिए बाबा, मुझे माफ कर दीजिए, शराब के अधीन होकर मैंने अपने परिवार को बहुत तकलीफ दी है बाबा, और आपका भी अपमान किया है बाबा, अब मैं कभी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा बाबा, और अपने बच्चों को
मैं अपने बच्चों को प्यार दूंगा और अपनी पत्नी को प्यार दूंगा और आपका सदा कृतज्ञ रहूंगा बाबा, सदा कृतज्ञ रहूंगा। मेरा नहीं, मालिक का। आप ही हमारे मालिक हो बाबा, आप ही हमारे मालिक हो। वाह साईं वाह, अभी अभी तुम चमत्कार की बातें कर रहे थे और तुमने चमत्कार कर दिखाया। लेकिन साईं एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि ये शराबी एक रात में बदल कैसे गया। कल रात साईं बाबा ने इन्हें बहुत मारा। जब मैंने शराब ना पीने की कसम खाई तब साईं बाबा ने मुझे छोड़ा। सदा खुश रहो, सदा खुश रहो। जाओ रमेश, अपने परिवार को खुश रखो, सदा खुश रखो। कल रात तो तुम मेरे पास थे, मेरे घर में थे, तो उस शराबी के घर कब गए हैं? साईं, तूने लोगों के दिल में अपने लिए कमाल का विश्वास पैदा कर लिया है। अभी क्या बोल रहे थे तुम? हाँ, विश्वास ही जीवन का श्वास है, है ना? है ना? सबका मालिक एक। अंबिका, जब मैं तबेले की तरफ देखता हूं तो तुम मुझे डांटती हो। अब तुम क्या देख रही हो? मैं ये देख रही हूं कि रघु कब उस मनहूस की अर्थी लेकर शमशान घाट जाएगा। अरे सुबह सुबह अशुभ क्यों बोल रही हो? यही तो कल रात रघु ने कहा था ना कि यदि हमने उसकी मदद नहीं की तो उसकी पत्नी मर जाएगी। कल रात वो बहुत घबराया हुआ था। लगता है वो मनहूस सच में मर गई है। ना कोई आक्रोश, ना कोई रोना धोना, रघु ने खुदकुशी तो नहीं कर ली? आप अपने बेटे के बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हैं? अंबिका, मैं देख कर आता हूँ, मेरे दिल में घबराहट हो रही है। जानकी, 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 तुम्हें खेत पर आने की कोई जरूरत नहीं है। जहाँ रघुनाथ है वहाँ जानकी होती ही है। अरे ये मनहूस तो जिंदा है। देखो दोनों कैसे हंस रहे हैं। अंबिका, कहीं ये तुम्हारे जख्मों पर नमक तो नहीं छिड़क रहे? यही तो तुम कहना चाहती थी ना? मुझे तो लगता है उस मनहूस को देखकर आपकी जान में जान आ गई है। कैसे जिंदा है वो मनहूस? जिसे तुम मनहूस कहती हो वो हमारे रघु की जान है। जुबान को घुमाकर शब्दों का खेल हमसे मत खेलिए। कैसे जिंदा है ये मनहूस? मैं पूछ कर आता हूँ। खबरदार, यहीं खड़े रहिए। जानकी, तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। खेत पर ही आराम कर लूंगी मैं। क्यों जिद कर रही हो? पत्नी की इतनी सी जिद नहीं पूरी कर सकते हैं आप? अच्छा ठीक है, चलो चलो। जो मरने वाली थी वो यकायक इतनी जल्दी चुस्त और फुर्तीली कैसे हो गई? साईं बाबा को पूछना पड़ेगा। साईं बाबा? हाँ, जिनकी जान की पूजा करती है। साई मेरा, साई तेरा, साई सबका प्यारा, हम सागर से सबको साई तारणहारा। साई बाबा, साई गुरुदेव लीजिए। गुरुदेव, एक इंसान दूसरे इंसान की मौत की इच्छा क्यों करता है? क्यों चाहता है कि दूसरा मर जाए? द्वेष और नफरत की वजह से।
इतना द्वेष, इतनी नफरत, ऐसी इच्छा रखने का अर्थ ही है गुरुदेव कि दूसरे को मरने की बद्दुआ देना। गुरुदेव, जब इंसान द्वेष और नफरत की सबसे ऊंची सीढ़ी पर खड़ा होता है तब वो अपने अधोपतन की आखिरी सीढ़ी पर उतर चुका होता है। तुम सच कह रहे हो साईं, लेकिन साईं सत्य ये भी है कि कभी कभी इंसान को अपने बहुत बीमार रिश्तेदार के लिए उस मालिक से मौत की दुआ मांगनी पड़ती है जो कि बद्दुआ है साईं। दोनों में फर्क है गुरुदेव, दोनों में अंतर है। अपने बीमार रिश्तेदार के लिए जब कोई इंसान मालिक से मौत की कामना करता है तो उसके पीछे दर्द होता है, वेदना होती है, तड़प होती है, क्योंकि हर पल हर वक्त जो अपने बीमार रिश्तेदार को उस दर्द उस वेदना के बीच मरते हुए देखता है वो चाहता है कि उसके बीमार रिश्तेदार को दर्द वेदना से मुक्ति मिले। इसलिए बद्दुआ नहीं, दुआ है गुरुदेव। लेकिन जब इंसान द्वेष नफरत के अधीन होकर किसी की मौत की इच्छा करता है तो वो बद्दुआ होती है, और ऐसा इंसान मालिक की नजरों में गिर जाता है। उस मालिक ने ही इंसान को बनाया है। हाँ गुरुदेव, मालिक ही इंसान को बनाता है, और अब दूसरों की मौत की इच्छा करने वाले इंसान को देखकर खुद हैरान भी हो रहा होगा, सोच रहा होगा क्या मैंने ही इस इंसान को बनाया है। विकारों के अधीन रहने वाले इंसान को निर्विकार मालिक भी समझ नहीं पाता होगा। तो हम क्या समझेंगे साईं? ऐसा क्यों सोचता है इंसान गुरुदेव? क्यों क्यों इंसान दूसरों का बुरा चाहता है? क्यों दूसरों को बद्दुआ देता है? किसी को तारने में मन को जो शांति मिलती है क्या वो किसी को मारने में मिलेगी गुरुदेव? किसी की जिंदगी बचाने में जो अद्भुत आनंद मिलता है वो किसी की मौत की इच्छा करने में नहीं मिलता। ये बात कब समझेगा इंसान गुरुदेव? कब? जब कोई दूसरा उसकी मौत की कामना करेगा तब। गुरुदेव, मालिक का बनाया हुआ ये इंसान समझ से परे है। सबका मालिक एक। इस जमीन में फसल नहीं होगी जानकी, हम कितना भी प्रयास कर लें परंतु फसल उगना बहुत ही मुश्किल है। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? ये जमीन बंजर और पथरीली है जानकी, ऊपर से सिंचाई के लिए कोई साधन भी नहीं है, कहां से लाएंगे हम पानी? आप इतनी निराश क्यों हो रहे हैं? बात निराशा की ही है जानकी, सोचो अगर फसल नहीं होगी तो अनाज नहीं होगा, क्या खाएंगे हम? हमारी जरूरतें कैसे पूरी होंगी? कैसे चलेगा हमारा जीवन? जब बात हमारी समझ से बाहर की हो जाए तो सब कुछ उस मालिक पर छोड़ देना चाहिए। वो है ना, वो सब कुछ देख रहे हैं, और उनकी समझ के बाहर इस कायनात में कुछ भी नहीं है। तुम साईं बाबा की ही बात कर रही हो ना? हाँ, वही हमारे मालिक हैं। जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं तो वो अपना दरवाजा खोलकर हमें एक नया रास्ता देते हैं। आप चिंता का त्याग कीजिए, हमारे साईं बाबा हमारे लिए रास्ता निकालेंगे। चिंता को त्याग देने का अर्थ है परिस्थिति से हार मानकर बैठ जाना। हम हाथ पे हाथ रख के कैसे बैठ सकते हैं जानकी? साईं बाबा कभी नहीं चाहेंगे
कि उनके भक्त हार मानकर बैठ जाएं। कोशिश तो हमें करनी ही पड़ेगी। जब तक दम है हम आखिरी दम तक प्रयास करेंगे, लेकिन हार नहीं मानेंगे। हार न मानने की सोच ही इंसान को जिंदा रखती है, क्योंकि उम्मीद है तो जिंदगी है। उम्मीद से ही इंसान को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। इसलिए उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कर्ता कर्म करता है, क्योंकि कर्ता के अधीन कर्म है, परंतु फल तो उस मालिक के हाथ में है। फिर हम फल की चिंता क्यों करें? यदि हमने कर्म किया है तो मालिक एक ना एक दिन उसका कर्म फल हमें देगा। इसलिए इंसान को अपना कर्म मालिक पर भरोसा रखते हुए पूरे मन से करना चाहिए। जब कोई कर्म पूर्ण मन से किया जाता है तो एक ना एक दिन उसमें सफलता मिलती ही है। लेकिन यदि कोई बिना कोशिश किए बगैर प्रयास के ही फल की उम्मीद करता है और ये सोचता है कि उसके लिए सोचने वाला मालिक है, हम क्यों सोचें, तो ये गलत है। क्योंकि ऐसी सोच ही इंसान को मालिक से दूर कर देती है। सबका मालिक एक। अब ऊंट पहाड़ के नीचे आया है। अब पता चलेगा आटे और दाल का भाव। अनाज के एक एक दाने के लिए मोहताज होगा तब पता चलेगा मेरा अपमान करके उसने क्या खोया है, क्या पाया है। ये आप इस तरह मुझे घूर घूर के क्या देख रहे हैं? मैं देख रहा हूँ कि तुम इतना क्यों सोचती हो जिससे कि घुटने में दर्द हो जाए। अच्छा, तो आपका मतलब है कि मेरा दिमाग यहाँ नहीं घुटने में है? ऐसा तो नहीं कहा मैंने। तो फिर क्या मतलब है आपका? मेरे कहने का मतलब ये है भाग्यवान कि तुमने रघु को घर से बाहर निकाल ही दिया है। अब जीने दो ना उसे जैसे वो जीना चाहता है। अरे उसके बारे में सोच सोच कर कुड़ने से क्या फायदा? मैं कुड़ रही हूँ? मैं कुड़ नहीं रही हूँ जमींदार साहब, मैं तो हंस रही हूँ। उन दोनों के चेहरे देख देख कर मेरे दिल को कितना सुकून, कितनी शांति मिल रही है, ये नहीं समझ सकेंगे आप। बंजर और पथरीली जमीन से फसल नहीं उगा करती, ये बात अब उन दोनों की समझ में आ गई है। अब दाने दाने के लिए तरसेगा, तब उसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। अपनी माँ को ठुकरा कर उस मनहूस जानकी के साथ गया है ना वो, अब देखती हूँ वो मनहूस कब तक साथ देगी उसका। तुम्हें क्या लगता है अंबिका, जानकी रघु का साथ छोड़ देगी? सुख में साथी साथ देते हैं जमींदार साहब, दुख में नहीं। दुख में तो सिर्फ ताने देते हैं ताने। अब देखती हूँ कि वो अपनी इच्छाओं का गला घोंट कर वो कब तक और कैसे जीता है। अपने ही पुत्र के लिए माँ होकर ऐसी कामना कर रही हो अंबिका? जब पूत कपूत बन जाए तो मुख से दुआ नहीं निकलती जमींदार साहब,
बद्दुआ निकलती है, बद्दुआ। उसने मेरा अपमान किया है और मैं अपने अपमान करने वाले को कभी नहीं भूलती, कभी नहीं। माँ तो अपने परिवार के लिए जीती है, माँ का अर्थ होता है जीवन, और जो माँ जीवन देती है क्या उसके मुख से पुत्र के लिए बद्दुआ निकलेगी? नहीं, एक माँ के मुख से पुत्र के लिए बद्दुआ नहीं निकल सकती, चाहे वो पूत कपूत ही क्यों ना हो, क्योंकि माँ का मतलब है ममता, वात्सल्य। माँ का मतलब ही है छांव। फिर एक माँ अपने बच्चों को तपती धूप में कैसे रख सकती है? नहीं रख सकती वो। सबका मालिक श्रवण। बेटा बेटा रहा था और कितनी दूर है, बस आ जाएगा माँ। लेकिन कब आएगा बेटा? वो क्या है ना पिताजी, हम रास्ता भूल गए थे ना, इसीलिए थोड़ी कठिनाइयाँ झेलनी पड़ रही हैं हमें। थोड़ी कठिनाई बेटा, अरे इतनी देर में तो हम पृथ्वी का चक्कर लगा कर आ जाते। मालिक का परम धाम पाना है तो सब कुछ भूल जाना चाहिए, तब न सुख का कोई महत्व होता है न दुख से कोई विचलन। दर्द वेदना यातना भी परम धाम के लिए निकले हुए यात्री की यात्रा में बाधा उत्पन्न नहीं कर सकता। कोई भी मोह ऐसे यात्री को मोहित करके परम धाम के मार्ग से हटा नहीं सकता। तब एक ही लक्ष्य होता है, मालिक का परम धाम। तब एक ही इच्छा होती है, मालिक का दर्शन। जब मालिक के दर्शन होते हैं तब सिर्फ पृथ्वी पर ही नहीं त्रिलोक का लगाया गया चक्कर भी यात्री भूल जाता है। उस वक्त ना कोई कष्ट होता है ना दर्द, ना ही कोई वेदना होती है, क्योंकि तब मालिक की करुणामयी दृष्टि से यात्री का उद्धार होता है। पृथ्वी के चक्कर लगाने से पहले हम यहाँ कुछ देर आराम कर लेते हैं। हाँ बेटा, मुझे तो बड़ी भूख लगी है। हाँ? और मुझे पता है तुम दोनों को भी बहुत भूख लगी होगी, क्यों? लीजिए माँ। हाँ बेटा लीजिए। अरे तुम भी खाओ। क्यों, आपको भूख नहीं लगी है क्या? पिताजी माँ को कितनी भी भूख लगी हो वो आपको खिलाए बगैर खाएगी नहीं। पहले आपको खिलाएगी, फिर मुझे खिलाएगी, फिर अंत में खुद खाएगी। यही तो माँ का चरित्र है, इसलिए तो घर घर में मालिक ने माँ को अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजा है, जो खुद दुख झेलती है लेकिन अपने परिवार को सुख देती है। खुद भूखी प्यासी रहती है लेकिन परिवार की भूख प्यास मिटाने की हर कोशिश करती है। माँ मालिक का सर्वश्रेष्ठ अवतार है, इसलिए माँ के सामने देवता भी विनम्र हो जाते हैं। श्रवण बेटा। हाँ माँ। तुम्हारे लिए रोटी है ना? हाँ माँ है रोटी। अगर नहीं है तो बेटा इसमें से आधी रोटी ले लो। जब पूरी रोटी है तो मैं आधी क्यों खाऊं? खाओ खाओ। लगता है तुम्हें भी भूख लगी है दोस्त। श्रवण तुम दोस्त किसे कह रहे हो? इस कुत्ते को माँ। अरे बेटा उसे भी एक रोटी का टुकड़ा डाल दो। द्वार पर आया हुआ याचक खाली हाथ और खाली पेट नहीं जाना चाहिए। जाओ जाओ उसे भी दे दो बेटा। नहीं जाएगा माँ, नहीं जाएगा। हाँ, अभी देता हूँ। जाओ जाओ जाओ। ये लो लो दोस्त। श्रवण
सारे प्राणी मेरे ही स्वरूप हैं, मैं ही उनके आकारों में डोल रहा हूं। जो इन सब प्राणियों में मेरा दर्शन करता है वो मुझे अत्यंत प्रिय है। लीजिए माँ, पानी पी लो। सबका प्यारा भव सागर से सबको साईं तारणहारा साईं बाबा। पिताजी पानी। साईं बाबा जय साईं बाबा। माँ पानी खत्म हो गया। अगदेवा पास ही में एक नदी है, मैं वहीं से पानी लेकर आता हूँ। आप यहीं बैठिए। हाँ तू जल्दी आना बेटा, संभल कर जाना। हा? जल्दी आ जाऊंगा माँ, संभल कर जाऊंगा। ठीक है? हाँ ठीक है, अभी आता हूँ। आज मुझे ऐसा लगता है कि हमें भाग्य को कोसना नहीं चाहिए। हम भाग्य ही नहीं हैं, भाग्यशाली हैं जो श्रवण जैसा बेटा है हमारे पास। सच कह रही हो तुम, कितना सेवा करता है हमारी, कितना ख्याल रखता है हम दोनों का। बस दुख तो इस बात का है कि अंधे होने के कारण हम उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। लो शादी तो करा सकते हैं। कुछ भी बोलते हैं आप। नदी से पानी भरते वक्त वो नदी में डूब गया। उसे बाहर तो निकाला है लेकिन। किसकी बात कर रहे हो भाई? जरा हमें भी तो बताओ। हाँ? हाँ? किसी बच्चे की। वो ये गांव का नहीं है इसलिए हम उसे नहीं पहचानते। ये नदी में पानी भरते वक्त बच्चा डूब गया, यही कह रहे थे ना ये लोग? हाँ हाँ श्रवण की माँ। श्रवण के बाबू, मेरे मन में अजीब शंका पैदा हो रही है, कहीं वो हमारा श्रवण तो नहीं है? ऐसा मत कहो श्रवण की माँ, ऐसा मत कहो। अब रो क्यों रही हो तुम? मेरा श्रवण, मेरा श्रवण। बस करो श्रवण की माँ, बस करो। कैसे बस करूँ मैं, कैसे बस करूँ? अब ऐसे ही रोती रहोगी या हमारे साथ नदी पर भी चलोगी? नदी पर? श्रवण को देखने के लिए। हो सकता है, हो सकता है उसे कुछ भी ना हुआ हो और उसे हमारे सहारे की जरूरत हो। मुझे तो ऐसे ही लगता है। चलो चलो हमें वहाँ जाना चाहिए। चलो चलो उसकी मदद करते हैं। चलो उठो, चलो जल्दी करो। अरे संभल के। चलो चलो चलो। श्रवण श्रवण। अरे हमें नदी तक जाने का रास्ता भी तो नहीं मालूम है बेटा। श्रवण की माँ, रास्ते में हमें जो भी मिलेगा हम उसे पूछ लेंगे। हाँ हाँ पूछ लेंगे। आज आज मुझे अपनी बेबसी पर क्रोध आ रहा है। साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा, बाबा हम आपकी शरण में आए हैं बाबा। हमें आंखें नहीं चाहिए बाबा, हमें आंखें नहीं चाहिए। हाँ बाबा। बाबा हमें श्रवण चाहिए बाबा। हमें आंखें नहीं चाहिए बाबा, हमें आंखें नहीं चाहिए। उन आंखों से हम अपने लाडले अपने प्यारे बेटे श्रवण को ही ना देख सके तो बाबा उन आंखों का क्या फायदा बाबा? साईं बाबा हमारे श्रवण की रक्षा कीजिए। साईं बाबा रक्षा कीजिए। हाँ बाबा, हाँ बाबा, हाँ बाबा, आप भगवान है बाबा, आप भगवान है। एक बार आप श्रवण से नाराज हुए थे ना, मैं उसकी तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ बाबा। बाबा माँ खुद क्षमा की मूरत है। माँ हमेशा अपने बच्चों के अपराधों को क्षमा करती है। माँ कभी क्षमा नहीं मांगती है। माँ जी माँ कभी क्षमा नहीं मांगती। साईं बाबा हमारे श्रवण की रक्षा करना बाबा। आप जो भी सजा देंगे ना बाबा हम भुगत लेंगे। हाँ बाबा। पर हमारे श्रवण की रक्षा करो बाबा।
कैसे चले गए? ऐसे कैसे जा सकते हैं मुझे छोड़कर? आपके सारे भक्त कहते हैं कि जिसका कोई नहीं होता उसके साईं बाबा होते हैं। क्या आपका मेरे साथ कोई रिश्ता नहीं है बाबा? क्या हम आपके कोई नहीं लगते बाबा? हाँ बोलिए ना। आपको बहुत कुछ मैंने बोला था ना, फिर उसकी सजा मेरे माँ और पिताजी को क्यों? आपके होते हुए हमारी ये दुर्दशा क्यों है बाबा? मैं जानता हूँ मैंने आपको बहुत कुछ बोला, उसकी सजा आप मुझे दीजिए ना बाबा, लेकिन मेरे माँ और पिताजी की रक्षा कीजिए बाबा, उनकी रक्षा कीजिए बाबा। श्रवण के पिताजी, हमारा अपना श्रवण ठीक ही होगा ना? तुम्हारा दिल क्या कहता है श्रवण की माँ? एक माँ की दिल की आवाज कभी झूठी नहीं हो सकती श्रवण की माँ। मेरा दिल तो ये कहता है कि मेरा श्रवण बिल्कुल ठीक होगा, बिल्कुल ठीक होगा। तो फिर ठीक ही होगा श्रवण की माँ, हमारे बच्चे के साथ कोई अनहोनी घटना नहीं घटी होगी। सच? हाँ हाँ श्रवण की माँ, भगवान इतने निष्ठुर कैसे हो सकते हैं? ईश्वर कभी कठोर हो ही नहीं सकता। जीवन के अंधियारे पथ में साईं नाम एक ज्योति, साईं नाम एक ज्योति, जिसकी चमक कभी ना उतरे, साईं नाम वो मोती, साईं नाम वो मोती। साईं जी का अपने भक्तों से है ऐसा नाता, भक्तों को पीड़ा हो तो साईं को पीड़ा होती। साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा। कहाँ चले गए दोनों? जय साईं बाबा। पता नहीं किस हाल में होंगे। उनकी रक्षा करना बाबा, साईं तेरा, साईं उनकी रक्षा करना प्यारा। पता नहीं कहाँ होंगे दोनों। साईं तारणहारा, साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा, जय साईं बाबा। सबका मालिक। एक